بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी तो दोस्तों, क्या हाल चाल, ठीक ठाक हैं? ये जनाब, कुछ दोस्तों के बहुत ज़्यादा कमेंट थे कि डॉक्टर साहब अभी जो है ना, अभी ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड चला हुआ है कि कीड़े कैसे बनाए जाते हैं चूहों के लिए, उनको इस्तेमाल करवाने का तरीका क्या और बनाने का तरीका क्या। तो ये आप देख सकते हैं, ये चूज़े हैं, ये माशाल्लाह ये देखे खा रहे हैं। और ये मैंने जो है ना वो कीड़े बनाए हुए हैं, क्योंकि अभी मैंने रखे हैं अभी हाल ही में, अभी ये बन रहे हैं, स्टार्ट हैं। तो सबसे पहले नंबर पे तो आपने ये करना कि आपने खाल ले लेनी है, ठीक हो गया। तो ये देख सकते हैं कि अभी ये स्टार्ट हैं, तो ये बन रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ठीक हो गया जी। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसके अंदर कोई कैटागरी नहीं है। जो बहुत मुश्किल है जी, बहुत जो है तकनीक इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, देख सें, अभी ये स्टार्ट में बन रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, ये तीन चार दिन के अंदर जो ना, अगर तो मक्खियाँ वगैरह के जहाँ पे ज़्यादा होती हैं वहाँ पे रखा जाए, तो ये तो एक दिन आप रखते हैं तो दूसरे दिन ही जो है ना ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन दो तीन दिन ले जाते हैं। तो जनाब करना ये आकर आपने इस तरह एक बाल्टी ले लेनी है। तो बाल्टी के अंदर आपने एक केजी चूज़ों के हिसाब से, लेकिन कम से कम आधा किलो या एक केजी आप खल डालेंगे उसके अंदर। आप अगर एक केजी खा लें तो उसके अंदर आपने तकरीबन आधा किलो या उससे थोड़ा सा कम कर लें, 400 ग्राम या 500 ग्राम आपने चोकर डाल देना है। चोकर डाल के उसके अंदर आपने पानी डाल देना है कि वो सारी चीज़ें जो ना वो डूब जाए, मतलब जो खाल और चोकर होगा उससे आपने एक पोटा ऊपर पानी डाल देना, ऊपर तक आ जाए पानी, ठीक हो गया। डाल के थोड़ी देर बाद जो ना वो पानी जो है ना वो खुश्क हो जाएगा, खल जो होती है ना वो पी जाती है पानी। आपने जो है ना पानी जो ना ऊपर तक तर कर दें, जब फूल जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, छोड़ देना उसको। चाहे तो ऊपर उसके दही वगैरह डाल सकते हैं कि मक्खियों को बुलाने के लिए, ठीक है। जो मेन प्रोसेस होता है ना वो मक्खियाँ होती हैं, जितनी मक्खियाँ ज़्यादा बैठेंगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से जो ना इसके अंदर कीड़े बनेंगे। मक्खियाँ बिठाने के लिए आपने चाहे ऊपर चीनी बखेर दें, चाहे ऊपर आप उसके अंदर दही डाल दें, जो मर्ज़ी कर लें। तो उसके बाद आपने छोड़ दें, अगर आपको फील हो कि पानी थोड़ा सा वो डाल दें तो डाल दें, क्योंकि थोड़ी देर बाद जो ना पानी सारा खुश्क हो जाएगा, वो खल पी जाएगी। उसके बाद आपने ऊपर उसको पत्थरों का और खल पानी का लगा देना है, ठीक है। और उसको बाद छोड़ देना आपने, उसको ऊपर से ढांप के नहीं रखना, आपने खुला छोड़ना। उसके ऊपर मक्खियाँ बैठेंगी तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही मक्खियाँ बैठेंगी तो जो है ना दूसरे दिन जो है ना ये कीड़े बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दो से तीन दिन जो है ना बहुत है, तीसरे दिन तो फुल भर जाएगा कीड़ों से। तो रूटीन वाइज थोड़ा थोड़ा सारे नहीं डालने आपने, थोड़े थोड़े करके डाले, अभी ये बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये नहीं करना कि आप सुबह शाम यही डालना शुरू कर दें, एक टाइम डालना एक टाइम आपने दाना डालना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके चूज़े ग्रोथ भी करेंगे, जितनी चाहेंगे ग्रोथ होगी, बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब ये तरीका है, टोटका है, खुराक है, तो फीड से भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह ये बनाएं, इस्तेमाल करें। जज़ाकअल्लाह।